नाम रखने में रो रहा है भाई। बड़ा बात तो ऐसे करे, ऐसे नाम नहीं बदले। अरे लॉबी में आना। ये सो मारी को रिक्वेस्ट आई है। ओ माय गॉड, व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस लाइनअप थक भाई? मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, व्हाट वाज द सिंपल गाइस, ऐसा बात नहीं है कि मवी को नहीं पता था कि आई वांट हिम इन शो या गुड बाय वांट हिम इन शो या वांट हिम इन शो। नंबर वन, स्काउट का जिस तरह से हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ, टू बी ऑनेस्ट, उसके लिए कंफर्टेबल हाउस, कंफर्टेबल फैमिली, कंफर्टेबल होम और एक ऐसा जगह जहाँ पे ही कैन बी हिम, उसको कोई पर्दा नहीं रखना अपने सामने, उसको इससे जगह, बेटर जगह नहीं मिलता। सो एंड ऑब्वियसली आफ्टर सोल का जब पिछला वाला लाइनअप का डिबैकल हुआ, उसके बाद सांगवान मूव टू जी, ब्लेजी को बैन के बाद ब्लेजी वर लेट गॉन, अमन वाज बट अमन डिसाइड कि वो कॉम्पी नहीं खेलेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम प्रीवियसली। तो फिर जब गेम वापस आने का बात हुआ, तो बिलीव मी गाइस, ये दिस वॉज नॉट प्लान, टू बी ऑनेस्ट, मवी का आना इन सोल वॉज नॉट समथिंग जो शायद मवी तू भी नहीं सोचा होगा कि इतना इजिली हो जाएगा जितना इजिली हमने इसको एग्जीक्यूट किया। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत छोटा ब्रीफ डिस्कशन हुआ, ही वॉज ऐसा था कि गेम का कोई गारंटी नहीं था, बट लोग बोल रहे थे आएंगे, मतलब इट वॉज बिफोर द अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डाउटफुल था कि यार क्या करें। तो मैं इसको खाली एक ही चीज बोला, कॉन्टेंट अगर तुझे चाहिए, ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट, सो देर इज अ फ्यूचर। और फिर मैं साथ में ये प्रेजेंट किया कि अगर नहीं भी हुआ, अगर गेम वापस आ भी गया, तो देयर इज अ स्कोप कि यू नो यू कैन प्ले विद दिस लाइनअप एंड वी कैन डू समथिंग, के लाइनअप भी सही रहे, क्योंकि ऐसा बात नहीं था यार उस टाइम, चलो इट इज अ सोल का बैड फेस था, बट वी नो मॉर्टल रेगल्टर्स एंड वाइपर आर टैलेंटेड प्लेयर्स। तो इनिशियली ही वाज सपोज टू ज्वाइन ओनली एज अ कंटेंट, कि मतलब कंटेंट में फ्यूचर है एंड अगर गेम आया तो देखेंगे। एंड लकीली ऐसा हुआ कि जब ये डिस्कशन हो रहा था, तब ये भी डिस्कशन हुआ, एंड देन ऑब्वियसली स्काउट वॉज कि भाई वो भी यही चाह रहा था कि अगर मवी आ रहा है तो देर इज नो वे कि मतलब उसको सेकंड थॉट ही नहीं देनी, बिकॉज स्काउट एंड मवी एवरीवन नोज वांट्स टू स्टे टुगेदर। सो आई थिंक दिस इज हाउ द लाइनअप केम, टू बी ऑनेस्ट इतना रॉकेट साइंस नहीं था। द ओनली कंसर्न फॉर मी एंड गोल्डी भाई वॉज टू गेट स्काउट एंड मॉर्टल एट द सेम पेज, बट टू बी ऑनेस्ट उन लोग ऐसे इतने भाई जैसे रह रहे कि हम लोग अब कोई उस चीज की स्ट्रेस नहीं है। आई हैड अ वर्ड विद गोल्डी भाई एंड मवी रेगल्टोस वाइपर, मवी स्पेशली इज वेरी एडजस्टेबल, इसको मतलब बहुत समझ है, ही इज वे मोर मैच्योर्ड देन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, तो इसको ये सब चीज की स्ट्रेस नहीं है मुझे मवी लेके, एंड रेगे एंड वाइपर आर प्रीटी चिल। सो आई बिलीव इस लाइनअप में बस यही है, यू नो दे गिव देयर बेस्ट, जो स्लैक करेगा वो अपना एक्स खाएगा, द गोल इज टू विन, टू बी ऑनेस्ट बहुत हग लिए, बहुत अय्याश हो गया, दैट सिंपल गोल है, ट्रॉफी चाहिए गाइज, एंड आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर लाइनअप, अगर ये लाइनअप नहीं तो कभी नहीं, मेरा सिंपल बात ये है, दिस इज वॉट माई थिंग इज, की विथ मवीज आईजीएलिंग, मॉर्टल कैप्टनिंग, वाइपर ऑन सपोर्ट, रेगल्टोस ऑन असॉल्ट, एंड स्काउट डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑन गुड डेज ही कैन असॉल्ट, ऑन नॉट सो ग्रेट डेज ही कैन सपोर्ट, सो आई थिंक वी हैव अ गुड स्टैक लाइनअप, आराम से कभी भी किसी को खिला सकते हैं, सो आई थिंक दैट्स द एंटायर आइडिया गाइज। और सीधी बात है, क्या होता है ना, वी ऐसे ट्वेल्व जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसमें वी ऑल्सो वॉन्टेड अ स्टार स्टडेड लाइनअप थोड़ा सा, एंड विथ मवी एंड स्काउट कमिंग वॉट एल्स डू वी वॉन्ट। वॉट अबाउट 8-bit गाइज, 8-bit का आप लोगों को पता ही है, 8-bit वॉज डिसबैंडेड जब आप लोग नहीं थे सीन में, मतलब काफी लोग गायब थे। गाइज अक्षु इज नो लॉन्गर प्लेइंग फॉर सोल, ही इज अ पार्ट ऑफ SATUL एंड ही विल कंटिन्यू विथ हिज ओन ओल्ड लाइनअप, जो है ओमेगा, अक्षत और डेल्टा शायद, एंड वो लाइनअप पे हम लोग का सपोर्ट है, वी विल ऑलवेज सपोर्ट अक्षु, अक्षु इज नेवर लिविंग SATUL, नेवर, कभी नहीं, ही विल स्टे इन द गेमिंग हाउस, ही विल चिल विद अस, हम लोग के भाई है वो, हम लोग के घर पे है, समझ रहे हो, अक्षु अक्षु कोई कोई भी बंदा को छोड़ नहीं रहे है। एंड अमन, अमन का सीन ऐसा है, अमन इज नॉट श्योर इफ ही वॉन्ट्स टू डू कॉम्पिटेटिव, अगर उसको मूड हुआ ही हैज ऑप्शंस, ही विल जॉइन दोस बीइंग अ पार्ट ऑफ SATUL। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, छह लौंडे थे, समझ गए, ऑल सेट, अब स्पैम मत करना, सबको सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया, प्लीज जाके इधर उधर कुछ हगना मत, हम लोग किसका वेट कर रहे हैं, उसी गंदगी का। चैट वांट्स टू नो मेरा कॉम्पिटिटिव करियर का क्या है।